आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि वोटर आईडी कार्ड में ऑनलाइन करप्शन कैसे कर सकते हैं। जैसे होता क्या है, 80% लोगों के नाम, डेट, जन्म डेट, पिता के नेम काफ़ी में गड़बड़ा जाता है। अगर आप वोटर आईडी में कुछ भी करप्शन करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको एक वेबसाइट पर जाना है, आपको nvsp.in पर। इस वेबसाइट पर जाने के बाद आपको कुछ प्रकार इस प्रकार का इंटरफेस मिलेगा। दोस्तों, इस वेबसाइट में 2017 के बाद कुछ करप्शन हुआ है जिस पे इंटरफेस चेंज कर दिया गया है। आपको नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको ऑप्शन मिलेगा करप्शन ऑफ इंटरेस्ट इन इलेक्ट्रॉनिक रोल, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस मिलेगा। आपको फॉर्म 8 है या आपको भरना है। सबसे पहले दोस्तों आपको अपना स्टेट सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको विधानसभा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, जो आपका विधानसभा है, वो आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद दोस्तों आपको नीचे स्क्रॉल करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे नाम डालना है। फर्स्ट नाम आपका जो है वो आपको डालना है यहाँ पे। जैसे ही आप अपना नाम डालेंगे वो ऑटोमेटिक यहाँ पे हिंदी में हो जाएगा। अगर आपको हिंदी में कुछ गड़बड़ लग रहा है तो आप उसको भी सुधार सकते हैं। यहाँ पे हिंदी कीबोर्ड की मदद से भी आप अपना नाम को करप्शन कर सकते हैं। उसके बाद आपको नीचे आना है, यहाँ पे उपनाम दिया गया है, उपनाम में आपने सरनेम डालना है। यहाँ पे सरनेम टाइप कर दीजिए, यहाँ पे ऑटोमेटिकली वो हिंदी में ले लेगा। फिर उसके बाद नीचे आना है, आपको निर्वाचन नामावली की पाक संख्या ये आपको मैं बता देता हूँ कहाँ से आपको लेनी है। निर्वाचन नामावली का पाक संख्या आपके वोटर आईडी के पीछे होता है। दोस्तों फिर भी आपको नहीं मिल पा रहा है तो मैं बता देता हूँ, आपने जो पहले साइट ओपन की थी उसमें चलिए, वहाँ से आपको दिखा देगा। यह NVSP पर आपको जाना है। यहाँ पे आपको क्लिक करना है सर्च योर नेम। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको ये इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पे आपको वापस कुछ यहाँ पे आपको अपना पहचान पत्र ढूंढना है। सबसे पहले आपने नाम टाइप करना है, फिर उम्र टाइप करना है, यहाँ पे स्टेट राज्य सब भर के नीचे स्क्रॉल करके निकालना है। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट पहचान पत्र से भी अपने वोटर आईडी को खोल सकते हैं। यहाँ पे पहचान पत्र का ऑप्शन दिया है, इस पर क्लिक करके आप डायरेक्ट अपने पहचान पत्र को यहाँ पे मतदाता पहचान क्रमांक डाल के आप डायरेक्टली उसको खोज सकते हो। पहचान पत्र क्रमांक डालने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पे आपको एक राज्य स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, फिर कोड दिया जा रहा है, वो कोड टाइप करके आपको यहाँ पे सर्च पे ओके कर देना है। जैसे सर्च पर ओके करेंगे आपका ये पहचान पत्र आपको आ जाएगा। यहाँ पे आपको साइड में ऑप्शन दिखाई दे रहा है व्यू डिटेल पर आपको ओके करना है। ओके करने के बाद आपको कुछ इस प्रकार इंटरफेस मिलेगा। यहाँ पे आपको सभी प्रकार की जानकारी मिल जाएंगी, आपका स्टेट नेम, पहचान पत्र क्रमांक, ये पाक संख्या, पाक का नामावली संख्या, सब कुछ यहाँ से आपको वहाँ पे देख के भरना है। मतदान क्रमांक संख्या 782 ये आपको यहाँ से नोट कर लेना है, जो भी आपके पहचान पत्र का निकलेगा वो, और वो यहाँ पे आके पाक संख्या आपको भर लेनी है। फिर निर्वाचक नामावली क्रम संख्या भी आपको वहाँ से देख के भर लेनी है। फिर आपको निर्वाचन पत्र संख्या, आपको जो वोटर आईडी की संख्या है वो आपको यहाँ पे डाल देनी है। उसके बाद आपको नीचे आना है, फिर आपको यहाँ पे जो जो आपको गलत है आपका वो सही करना है, आपको उस पर टिक कर दीजिए। जैसे नाम आपका गलत है तो नाम पे टिक कर दीजिए, फोटो आपकी गलत है या दूसरी लगानी है तो आप उस पर टिक कर दीजिए, पता आपको चेंज करना है, जन्मदिनांक चेंज करनी है, आयु, जो भी आपको इसमें से चेंज करना है उस पर आप क्लिक कर दीजिए और नीचे स्क्रॉल कर दीजिए। नीचे स्क्रॉल करने के बाद आप नाम सही करना है, आपको नाम जो डालना है सही करके वो आप यहाँ पे डाल दीजिए। यहाँ पे नाम डाल दीजिए, नाम डालने के बाद वो अपने आप हिंदी में ले लेंगे उधर। यहाँ पे उपनाम डाल दीजिए, आप गूगल टूल्स की भी मदद ले सके यहाँ पे हिंदी टाइपिंग के लिए। आप नीचे स्क्रॉल कर लीजिए, आप जो आपने सेलेक्ट नहीं किया है वो आपके ओपन नहीं होगा, जो जो आप करप्शन करना है वही आपसे ओपन होगा। यहाँ पे जन्म डेट आपने सही सेलेक्ट की थी वहाँ पे करप्शन करने के लिए, तो यहाँ पे जन्म डेट करप्शन कर लीजिए।
अगर आप डेट ऑफ बर्थ में भी करप्शन चाहते हो तो आप उसको भी सही कर ले सकते हो। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करना है आपको, और यहाँ पे आपको फ़ोटो अपलोड करनी है। आपको पासपोर्ट साइज कलर फ़ोटो आपको यहाँ पे अपलोड करनी है। यहाँ पे चूज़ फाइल लिखा हुआ है, इस पे ओके करने के बाद आपको आपकी फाइल खुल जाएंगी। इसमें से आपको जहाँ आपकी फ़ोटो रखी है वहाँ से ले सकते हैं। यहाँ पे आयु प्रमाण पत्र, एक एज प्रूफ चाहिए जो आपको आधार कार्ड हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है, जो भी एज का प्रूफ है आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। उसके बाद है पता प्रमाण पत्र, इसमें भी आपको आधार कार्ड सेलेक्ट कर सके, बैंक की पासबुक सेलेक्ट कर सकते हैं, पैन कार्ड सेलेक्ट कर सकते हैं जो आपके पास उपलब्ध है। जितनी जगहों पर आपको ये लाल वाला स्टार दिखाई दे रहा है वो आपको भरना ज़रूरी है। फिर आप नीचे स्क्रॉल कर लीजिए, यहाँ पे आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी है, जो आपकी मौजूदा ईमेल आईडी है। उसके बाद आपको मोबाइल नंबर डालना है यहाँ पे, जो आपका चालू है अभी। यहाँ पे स्थान आपका, जो भी आप स्थान डालना चाहते हो। उसके बाद आपको साइड में आपको तारीख दिखाई दे रही हो, डेट डालनी है आपको। टोटल आप पूरा भरने के बाद फॉर्म को एक बार चेक कर ले। फिर आपको नीचे दिखाई दे रहा है पेजेस सबमिट, पेजेस सबमिट पर आपको क्लिक कर देना है। पेजेस सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपको एक फाइनली आपको एक रेफरेंस नंबर दिखाई देगा, जिससे आप अपना स्टेटस ट्रैक कर सकते हो, जो ये आपको नोट कर लेना है। स्टेटस ट्रैक करने के लिए आपको आपकी उसी वेबसाइट पे वापस जाना है। यहाँ पे आपको नीचे लिखा देगा चेक एप्लीकेशन स्टेटस, यहाँ पे ओके करने के बाद आपको वो नंबर डाल देना है जो आपको रेफरेंस आईडी दी जा रही थी। रेफरेंस आईडी यहाँ पे डालने के बाद आप चेक कर सकते हो कि आपका वोटर आईडी कार्ड करप्शन हुआ है या नहीं हुआ है, जो भी आपका यह प्रोसेसिंग चल रही है, जो भी सब कुछ यहाँ पे बता देगा। तो दोस्तों, हर स्टेट के अलग अलग रूल है। किसी में तहसील में अपना वोटर आईडी कार्ड आता है, किसी के पोस्ट द्वारा घर पर भी आता है। तो इस तरह आप अपने वोटर आईडी कार्ड में ऑनलाइन करप्शन कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो दीजिए एक प्यारा सा लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको नई नई वीडियो टेक्निकल से संबंधित आपको मिलती रहेंगी। गुड डे, टेक केयर।